नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? और आज आपका है हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर, है ना? तो आपको दिक्कत हो रही है, कैसा पेपर होगा, है ना? लेकिन कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर हमारा हिंदी का पेपर लिख सकते हो। और आज हम मिले हैं आपका क्वेश्चन पेपर समझने के लिए, अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? तो आज मैं आपको अपना जो फाइनल पेपर है वो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ, ताकि सारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, है ना, समझने के लिए। तो चलो, आप लोग तैयार हो ना मेरे साथ समझने के लिए? तो ये है हमारा फाइनल एग्ज़ाम का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आंसर लिखने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपना नेम अच्छे से लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में, ठीक है? और फिर आपको क्वेश्चन पेपर का अगर प्रिंट आउट निकाल के लिखना है तो आप लिख सकते हो, या फिर आपके पास जो भी बुक्स है आप उसी में भी अच्छे हैंडराइटिंग में और अच्छी तरह से लिख कर भी भेज सकते हो। लेकिन बेटर ये रहेगा कि अगर आप प्रिंट आउट निकालो, ठीक है? तो हमारा सबसे पहले प्रश्न नंबर एक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए, ठीक है? चूजे ने कहाँ घूमने की बात कही, झील, नदी, दुनिया। फलों का मुखिया कौन था, आम, सेब, केला। मीनू अपने माता पिता के साथ कहाँ घूमने गई, जयपुर, दिल्ली, आगरा। हवा महल में सरूखों की कुल संख्या कितनी है, 943, 953, 950, ठीक है? प्रश्न नंबर दूसरा, कोष्टक में से सही सर्वनाम शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। गलती नहीं है मुखिया जी, खाली जगह गलती नहीं है मुखिया जी, मेरा के मेरी। लोग खाली जगह धोकर छिलके खाए, मुझे, उसके। एक दिन कुछ विदेशी लोग जंगल में खाली जगह आए के बनाए। प्रश्न नंबर थर्ड, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मीनू जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने गई, ठीक है? प्रश्न नंबर दो, नाव बनाने के लिए कौन कौन क्या क्या लेकर आया। ये नाव लिखा हुआ है, यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? नाव है, नाव बनाने के लिए कौन कौन क्या लेकर आया। सर्दी क्या पहनकर आई है, अंगूर खाने के क्या क्या फायदे हैं। प्रश्न नंबर चार, दिए गए वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए, चेंद्रू ने कभी भी पशु पक्षियों को सताया नहीं। चेंद्रू को गुलेल गोटी और धनुष बाण से खेलने का बहुत शौक था। झलपरी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी इनाम में दे दी। शीनू ने नीना से अब्बा कर ली। शीनू ने अपनी नानी को चिट्ठी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए, मतलब आपको लाइन करनी है। हमें कहाँ शिकायतें मिली है, मैं बीमारियों को भी दूर भगाता हूँ, यह तो हमारे बुजुर्ग सेब जी बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, का, की, के लिखकर खाली जगह भरिए। चाचा जी खाली जगह चिट्ठी। सूरज खाली जगह रोशनी। महल खाली जगह निर्माण। हवा महल खाली जगह सामने। चूजा अखरोट खाली जगह छिलका ले आया। उन चारों खाली जगह बहुत बुरा लगा। खाली सेवा खाली जगह प्राण। गांधी जी का खाली जगह कुर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में विशेषण पर गोला लगाइए, यानी कि सर्कल लगाना है आपको। हमने ऐतिहासिक इमारतें देखी। सवाई प्रताप सिंह ने शानदार इमारतें बनाई।
बनवाई। वह अनेक खिलौने बिक रहे थे। चाचा जी ने सुंदर पुस्तक भेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। निकर नहीं खाली जगह ओढ़ूंगा, चाहे दुबले खाली जगह तगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के आधार पर जवाब दीजिए। दिए गए शब्दों में र का सही रूप का प्रयोग कीजिए। पोगाम सब माग। ई और ढ में अंतर समझकर दो दो शब्द लिखिए। ड लड़ना, ड चढ़ना। तीसरा, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए। कपड़े चाल, घर झरदी करदी। तगड़े लाल, सर भरदी वर्दी। तो ये था हमारा पूरा फाइनल पेपर। आपको इसमें हमारे जो भाषा की मिस्टेक है होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मात्राओं की मिस्टेक भी नहीं निकलनी चाहिए और आपके अच्छे हैंड राइटिंग भी होने चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने जो एक क्वेश्चन के दो मार्क्स डाले हैं तो वो इसीलिए है कि अब हम भाषा की भी मिस्टेक निकालेंगे। अगर आपकी उसमें भी गलती होगी तो आपका उसका भी हाफ मार्क्स कट हो सकता है और आपके हैंड राइटिंग के भी मार्क्स है। तो आपको अच्छी तरह से और ध्यान से लिखना है हमारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।